अब तक हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया है फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। लेकिन जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल हो, डेट इज एन लेस देन 30, देन वी यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फाइंडिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। When we have very small sample size, that is n less than 30, and sigma, that is population standard deviation, is unknown. In this case, we will switch towards t distribution instead of z distribution. So we can find out confidence interval in case when n less than 30 and population standard deviation is unknown by using this formula, where t is critical value from t distribution with n minus 1 degree of freedom. अब t distribution में degree of freedom का जिक्र है, इसको हम आगे जाके जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। x bar क्या है, that is sample mean, और s क्या है, sample standard deviation, n क्या है, sample size. Fundamental principles for using the t distribution for confidence intervals. किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने से पहले। यू कैन नॉट यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन अनलेस यू अज्यूम दैट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सैंपल जिस पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है वो पॉपुलेशन का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। द टी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक द जी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड सिमेट्रिक अबाउट अ मीन ऑफ जीरो, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास बेल शेप्ड होंगी, That is well shaped about mean zero. दोनों का mean zero होगा, t का भी और z का भी। The t distribution incorporates the fact that for smaller sample sizes the distribution will be more spread out using something called degree of freedom. जैसा कि t distribution use की जाती है जब हमारे पास n small है, sample size small है, तो स्मॉल सैंपल साइज के लिए जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप तो होगी, सिमेट्रिक भी होगी, लेकिन ये फ्लैट होगी जी डिस्ट्रीब्यूशन की निस्बत। इसकी जो टेल्स है वो लॉन्गर टेल्स होंगी, जबकि जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पीक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बोथ आर नॉर्मल, दो बोथ आर सिमेट्रिक। फॉर एवरी चेंज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम द टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस, यानी कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एक डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगी। The larger the sample size, the closest the t-distribution mimics the z-distribution. यानी कि sample size जो जो large होता जाएगा, t-distribution जो है वो closer to z-distribution होती जाएगी. We construct a confidence interval for a small sample size in the same way as we do for a large sample, except we use t-distribution instead of z-distribution. यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो सेम तरीके से ही हम फाइंड आउट करेंगे, बस z की जगह हम t-distribution यूज करेंगे। और टी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम यूज करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करना है इसमें। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक्स बार की जरूरत है, यानी कि एक म्यू को हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक्स बार से, एक पैरामीटर को एस्टिमेट किया जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से एक, ये जो पैरामीटर एस्टिमेट किया जा रहा है, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर टू वैल्यूज 8 एंड 5, वी हैड टू एस्टिमेट वन पैरामीटर। ऑन द वे टू एस्टिमेटिंग द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सिग्मा स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए हमें मीन का एस्टिमेट चाहिए, तो यानी कि एक एस्टिमेट चाहिए हमें, टू वैल्यूज में से माइनस करेंगे वन, तो ये वन हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू नो द पॉपुलेशन मीन फॉर अ सर्टन टेस्ट स्कोर, यू सिलेक्ट, यानी कि यहाँ वो कह रहा है आपके पास पॉपुलेशन मीन मालूम है, यानी कि इट इज नोन, पॉपुलेशन मीन हमारे पास नोन है। और यू सिलेक्ट 10 पीपल फ्रॉम द पॉपुलेशन टू एस्टिमेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कितने का सैंपल लिया गया है, 10 का, एन हमारे पास 10 है, और क्या चीज एस्टिमेट करने के लिए क्या चीज फाइंड आउट हमने करना है, एस विच इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू अब हमने यहाँ म्यू क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हमारे पास नोन है, इसको हमें एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। इन केस व्हेन हमारे पास म्यू नोन हो तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, क्योंकि हमने
कोई भी पैरामीटर एस्टिमेट किया ही नहीं है स्केयर फाइंड आउट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 10 ही होगी, एन ही है, ये एन ही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यू डू नॉट नो द पॉपुलेशन मीन फॉर अ डिफरेंट टेस्ट स्कोर। अब यहां वो कह रहा है कि आपके पास पॉपुलेशन मीन नॉन नहीं है, नॉन नहीं है हमारे पास ये। यू सिलेक्ट 15 पीपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब कितने का सैंपल लेते हैं यहाँ पे हम, 15, यानी एन हमारे पास कितना है 15, एंड यूज दिस सैंपल टू एस्टिमेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज योर एस्टिमेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन हैव। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्स माइनस मीन आता है यहाँ पे, क्योंकि मीन अननोन है तो हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू, मीन की एस्टिमेटेड वैल्यू यूज करेंगे। एक पैरामीटर एस्टिमेट हो रहा है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। तो यहां हमारे पास एन कितना है 15, एन माइनस वन कितना हो गया 15 माइनस वन इक्वल टू 14, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारे पास 14। अच्छा जी, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज वेरी सिमिलर टू जी डिस्ट्रीब्यूशन विद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू 1। समटाइम्स कॉल्ड स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज अगर देखें तो सिमेट्रिक अराउंड जीरो, यानी जीरो के अबाउट ये सिमेट्रिक होती है, जैसा कि जी जी भी जो है जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है न्यू, जो के इक्वल होता है एन माइनस वन, इसको न्यू पर अनाउंस करेंगे और ये इक्वल होता है एन माइनस वन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ग्रेटर देन वन है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू जीरो, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ग्रेटर देन टू है तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू न्यू ओवर न्यू माइनस टू स्क्वायर रूट, विच इज ऑलवेज बिगर देन वन। अच्छा जी, जी स्कोर किस तरह फाइंड आउट होता है, एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। टी को हमने फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार डिवाइडेड बाय, इसका एस्टिमेट ले लिया सिग्मा का, तो डेट इज एस एक्स बार, और ये इक्वल होता है एस ओवर एन स्क्वायर रूट के। तो जी हमारी जी डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस वन, यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी फ्लैट होगी। जी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पीक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जब हम अनबायस्ड एस्टिमेट यूज करेंगे टू फाइंड द टी, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है विच इज डार्क रेड विल बी क्लोज टू जी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब हमने बायस्ड एस्टिमेट यूज किया गया था विच इज डिवाइडेड बाय एन, तो ये हमारे पास थोड़ी सी फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन जब हम अनबायस्ड एस्टिमेट यूज करेंगे विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लोज टू जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये टेबल वैल्यूज हैं टू फाइंड द टी वैल्यूज। अगर हमने टी अल्फा बाय टू फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सपोज हमारे पास टी अल्फा बाय टू एन माइनस वन है, अगर अल्फा हमारे पास हो 0.1 तो इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0.05, यानी कि 0.05 को एन हमारे पास 11 है तो एन माइनस वन होके हमारे पास क्या आ जाता है 10। अगर ये वैल्यू हमने टेबल में देखनी हो तो कैसे देखेंगे, आइए टी टेबल देखते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है 0.05 को 10 में देखना है, ये किसके इक्वल है। अब देखें 0.05 ये है हमारे पास, और इसके 10 के सामने देखें ये 10 की वैल्यूज आ गई और 0.05 ये आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1.8124। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी अल्फा पे टी की वैल्यू विद डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अल्फा की वैल्यूज है हमारे पास और ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। इस टेबल को यूज करते हुए कोई भी आप वैल्यू टी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यूज जो है ये टेबल में कुछ वैल्यूज गिवन है 1 माइनस अल्फा के साथ, टी अल्फा बाय टू जो हमने निकाला अभी ये माइनस में लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हमारे पास कितना था 0.9, और 0.1 हमारे पास बाकी बचा
तो उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया दोनों टेल्स पे, ये 0.05 आ गया, 0.05 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन 1.825 कितनी होगी, 0.05, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन -1.8125 कितनी होगी, 0.05। अगर टी और जी दोनों को कंपेयर किया जाए तो एन जब 30 हो या एन ग्रेटर देन 30 हो जाता है तो दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। 90% पे ये 1.645 है और 90% पे ये 1.6691 है जब एन 30 है। इसी तरीके से ये 1.96 है एट 95%, और ये हमारे पास क्या है टी इक्वल टू 2.045। इसी तरीके से z की 98% पे 2.33 है और ये t है 2.46, दिस इज 2.58 एंड दिस इज 2.75। मीन्स जब n बड़ा होता जाएगा तो t और z की वैल्यूज जो हैं आपस में बराबर होती जाएंगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर इज ट्राइंग टू एस्टिमेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज डेट वॉन क्वालिटी अवार्ड लास्ट ईयर। A random sample of 25 such companies is selected and the return on investment is recorded for each company. The data for the 25 companies have mean 14.75 and standard deviation 18.18. Construct a 95% confidence interval for the mean return. अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ Z distribution लगानी है या T distribution लगानी है। जैसा कि पहले बताया गया कि अगर हमारे पास n स्मॉल है और सिग्मा हमारे पास अननोन है तो हम t डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, बाकी सारे केसेस में आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अगर सिग्मा गिवन है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तब भी आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, बेशक आपके पास n स्मॉल हो या लार्ज हो। जब हमारे पास n लार्ज हो जाता है तब भी आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास n क्या है 25 और सिग्मा भी हमारे पास गिवन नहीं है। देखिए सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम यहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। फ्रॉम द एग्जांपल वी हैव एन 25 मीन 14.75 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8.18 एंड वी हैव टू कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो कि हमारे पास सिग्मा गिवन नहीं है तो एस से ये प्लेस होगा। ये भी हमारे पास गिवन है मीन, सिग्मा भी गिवन है, एन भी गिवन है। क्या चीज मालूम नहीं है, टी अल्फा बाय टू एन माइनस वन, वन माइनस अल्फा 0.95 हो गया, अल्फा 0.05, अल्फा बाय टू 0.025। तो हमने फाइंड आउट करना है 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन, ये वैल्यू हम टी टेबल से फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाती है 2.064। अब ये सारी वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14.75 प्लस माइनस 2.064 इंटू 8.18 डिवाइडेड बाय 25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाता है, इस वैल्यू इस टर्म को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1.636। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.76, ये 14.75। अब 14.75 में से एक तो हम माइनस किया 3.76 और 14.75 में ऐड किया 3.76, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं 11.25।
37 एंड 18.12. ये रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा. सो वी कैन से दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट मीन रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट विल फॉल विद इन द दिस इंटरवल 11.37 टू 18.12. आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. कार्डियक डेथ इंक्रीज आफ्टर हैवी स्नोफॉल. अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू मेजर द कार्डियक डेथ ऑफ शॉवलिंग स्नो बाय हैंड. शॉवलिंग मीन टू रिमूव स्नो बाय हैंड, यानी कि अगर स्नो को हाथ के साथ रिमूव किया जाए उस केस में कार्डियक डेथ देखनी है कि कितनी होती है. द मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर 10 अडल्ट मेल वर रिकॉर्डेड वाइल शॉवलिंग स्नो. 10 अडल्ट का सैंपल ले लिया है जो शॉवलिंग स्नो करते हैं. द सैंपल मीन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वर 175 एंड 15 रेस्पेक्टिवली. फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर दोज हु शॉवल स्नो. अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या गिवन है. एवरेज है हमारे पास 175, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 और एन हमारे पास है 10. एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू एज टी अल्फा बाय 2 एन माइनस 1 सिग्मा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट. इट इज डिनोटेड बाय इक्वेशन 1. वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एन स्क्वायर रूट. But we have to find out this value as we know that 1 minus alpha is equal to 0.90 and alpha will be 0.1, alpha by 2 will be 0.05 and t 0.05 n minus 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 9, क्योंकि n हमारे पास 10 है, 10 में से माइनस किया 1 तो that is equal to 9. तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. आइए देखते हैं टेबल में इसकी क्या वैल्यू है. 0.05 लिया इधर से 9 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.8331. सो इट इज इक्वल टू 1.8331. सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन 1 एंड वी विल हैव 175 प्लस माइनस 1.8331 इनटू 15 divided by 10. By solving this we will have 4.7434 into 1.8331 and 175. अब इन दोनों को solve किया तो this will be equal to 8.70 and this is 175. 175 में एक दफा minus किया 8.70, 175 में एक दफा ऐड किया 8.70. सो वी हैव 2 पॉइंट्स 166.3 183.7. दिस इज द रिक्वायर्ड इंटरवल एंड वी कैन सी दैट मीन मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर द स्नो शॉवलर्स विल फॉल बिटवीन द इंटरवल 166.3 टू 183.7. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर दफा आपके पास मीन कैलकुलेटेड हो या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड हो. समटाइम्स आपको सैंपल वैल्यूज दे दी जाती हैं, आपने खुद कैलकुलेट करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा कि इस एग्जांपल में हम करेंगे. द मैसेज इन ग्राम्स ऑफ 12 बॉल बेयरिंग टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ बैच आर 31.4 टू 33.2. ये 12 सैंपल हो गया हमारा. कैलकुलेट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन मैस ऑफ द पॉपुलेशन एंड सपोज्ड नॉर्मल फ्रॉम विच दीज मैसेज वर ड्रॉन. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू बाय यूजिंग टी अल्फा बाय 2 एन माइनस 1 इंटू एस ओवर एन स्क्वायर रूट. अच्छा जी, अब यहाँ हमें सारा कुछ मालूम करना है. मीन भी चाहिए हमें, एस भी चाहिए और ये वैल्यू भी चाहिए. तो सैंपल हमारे पास क्या है, एक्स. एक्स हमारे पास है 31.4, 33.1, 35.9 और अप टू ये वैल्यूज हमारे पास
आ जाती हैं 33.2। तो इनका सम करें अगर तो हमारे पास आएगा 412.8। तो मीन हमें पता है किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स ओवर एन, और इसमें 412.8 को डिवाइड किया एन, क्योंकि 12 वैल्यूज थी, 12 से इसको डिवाइड किया, मीन आ गया 34.4। अब हमने सेकंड निकालना है सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। या इस फॉर्मूले को इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, समेशन एक्स तो हमारे पास है, दिस इज समेशन एक्स। अब समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका सम लेंगे हम। तो इसका 31.4 का जब हमने स्क्वायर लिया तो ये आ गया 985.96। 31.1 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1095.6। इसी तरीके से जब 35.9 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1288.8। इस तरह सारी वैल्यूज का स्केयर लेते जाएं तो फाइनली हमारे पास सम आ जाएगा 1423.1.98। इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, 1/12 - 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, 1423.1.98 -412.8, इसका स्केल लिया और डिवाइडेड बाय 12। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाता है 31.66 डिवाइडेड बाय 11 एंड विच इज इक्वल टू 1.7। सिग्मा भी हमारे पास आ गया, मीन भी आ गया। अब क्या चीज है, टी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी वैल्यू इसी तरीके से 1 माइनस कितना है 0.90, अल्फा 0.1, अल्फा बाय 2 0.05। तो टी 0.05 को हमने फाइंड आउट करना है 11 में, एन माइनस वन हमारे पास 11 है। आइए टेबल वैल्यू में इसको देखते हैं, ये 0.05, इसको 11 में देखा तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.796। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन की जगह उसकी वैल्यू आएगी 34.4 प्लस माइनस 1.796 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 34.4 प्लस माइनस 1.796 इंटू 0.49। इसको फर्दर इलेबोरेट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 0.88। 34.4 में से एक दफा माइनस किया 0.8 और 34.4 में से एक दफा ऐड किया 0.88। तो फाइनली हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो है 33.52 एंड 35.28। सो इट इज कंक्लूडेड दैट 95% कॉन्फिडेंस फॉर द मीन मास ऑफ द पॉपुलेशन इज 33.52 एंड 35.28। नाउ वी विल construct confidence interval estimate for difference of mean mu1 minus mu2 when standard deviation is unknown but the variances are equal of two populations from which two independent samples are drawn. We can construct confidence interval for difference of mean by using this formula. It is just like as we have constructed
confidence interval for difference of mean mu1 minus mu2 when sample size is large in the z distribution. Here we have replaced z into t, and this is pooled standard deviation. Pooled means both of the populations have equal variances, and it is calculated by using this formula, and where t alpha by 2 critical value from the t distribution as we have calculated previously. But when we have two populations, then their degree of freedom will be n1 plus n2 minus 2. Here we have used two estimates, mean 1 and mean 2, for calculating s1 and s2. Ek mean s1 ke formula mein use hua hai, ek mean s2 ke formula mein use hua hai. Isliye yahan humne टोटल ऑब्जर्वेशंस में से n1 प्लस n2 में से माइनस किया है 2 को. सो दिस इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम. दो रैंडम सैंपल जो है वो ड्रॉ किए गए हैं. एक का साइज 9 है, दूसरे का 16. बोथ पॉपुलेशंस आर इंडिपेंडेंट. मीन j है फर्स्ट पॉपुलेशन का, दूसरी का मीन j हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन म्यू वन माइनस म्यू टू अज्यूमिंग दैट सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर इक्वल. हम ये अज्यूम करना है कि दोनों के वेरियंसेज या स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो इक्वल हैं. द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द म्यू वन माइनस mu 2 is calculated as x bar 1 minus x bar 2 plus minus t alpha by 2 n1 plus n2 minus 2 into sp 1 over n1 plus 1 over n2. So, from the population 1, sample जो draw किया गया है, उसको हम n1 कहते हैं, और वो sample कितना है? 9. Mean कितना था हमारे पास? 64. और standard deviation कितनी है? 6. Second population है एक, उससे कितना सैंपल ड्रॉ किया गया है? 16 का. मीन कितना कैलकुलेट हुआ है? 59. और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 5. अच्छा, मीन भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है. टी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और एस पी हमने फाइंड आउट करना है. वेयर एस पी इज इक्वल टू एन वन माइनस एस वन स्क्वायर प्लस n2 minus 1 s2 square, which is divided by n1 plus n2 minus 2. जो values हैं वो substitute की, n1 हमारे पास कितना है? 9 minus 1. s1 कितना है? 6, इसका square ले लिया. plus n2 हमारे पास है 16 minus 1. S2 कितना है? 5, इसका स्केयर ले लिया. N1 9, N2 16 minus 2, which is equal to 8 into 36 plus 15 into 25 and divided by 9 plus 16, 25, 25 में से minus के 2, तो ये आ गया 23. SP है तो ये square root में है. So it is equals to 663 divided by 23, and finally, it is equal to 5.369. This is our SP. Now, we will calculate T value from the table. As we have 1 minus alpha 0.95, alpha
0.05, अल्फा बाय 2 0.025, टी वैल्यू हमें चाहिए 0.025, एन वन प्लस एन टू हमारे पास कितना माइनस टू होके 23 आ गया। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे टेबल से। आइए देखते हैं कि ये वैल्यू क्या है हमारे पास। ये हमारे पास है 0.025, ये 23 है हमारे पास, और 0.025 के नीचे ये वैल्यू बनती है 2.06866। इसको हम लेते हैं 2.069 राउंड करके, तो ये आ गई 2.069। टी वैल्यू भी आ गई। अब सारी वैल्यूज जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने कैलकुलेट कर ली हैं। इसको हम सब्सिट्यूट करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में, तो विच इज इक्वल टू 64 माइनस 59 मीन 1 माइनस म्यू 2 प्लस माइनस टी वैल्यू 2.069 इंटू एस पी, ये कितना था 5.369, एंड 1 ओवर एन वन, एन वन हमारे पास 9, 1 ओवर एन टू विच इज 16, द डिफरेंस बिटवीन 64 माइनस 59 इज 5 प्लस माइनस 2.069 इंटू 5.369। इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.4167। फर्दर सिंप्लीफाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.6। 5 में से एक दफा माइनस किया 4.6, 5 में एक दफा ऐड किया 4.6, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0.4 एंड 9.6। सो दिस इज रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। हेंस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज 0.4 to 9.6। अब एग्जाम्पल के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। एक पॉपुलेशन से हमने सैंपल ड्रॉ किया है 34, 25, 43, 37 एंड 45 का। एक दूसरा सैंपल ड्रॉ किया गया है एक दूसरी पॉपुलेशन से ऑफ 7 वैल्यूज विच इज 20, 31, 23, 35, 41, 29 एंड 39। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन। सो वी हैव टू कैलकुलेट 95% confidence interval for the difference of mean mu 1 minus mu 2 as x bar 1 minus x bar 2 plus minus t alpha by 2 n 1 plus n 2 minus 2 sp 1 over n 1 plus 1 over n 2। इस फार्मूले के लिए मैं सारी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। मीन 1 निकालना है, मीन 2 निकालना है, एसपी निकालना है, टी वैल्यू निकालनी है। 1 by 1 हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो फर्स्ट सैंपल है उसको मैं x1 कह देते हैं, दैट इज 34, 25, 43, 37 एंड 45। इसका सम किया तो हमारे पास आ गया 184। सो वी कैन फाइंड नाउ एक्स बार 1, समेशन एक्स 1 डिवाइडेड बाय एन 1, एंड इट इज इक्वल्स टू 184 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 36.8। सिमिलरली एक्स 2 हमारे पास सेकेंड सैंपल क्या है, 20 है, 31 है, 23 है, 35 है, 41, 29, 39। इसका सम किया तो क्या आ गया 218। मीन 2 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2, 218 डिवाइडेड बाय 7, और ये हमारे पास आ जाता है 31.1। अब हमने फाइंड आउट करना है SP, which is equals to n1 minus s1 square plus n2 minus 1 s2 square divided by
एन वन प्लस एन टू माइनस टू। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एस वन स्केयर निकालेंगे और एस टू स्केयर निकालेंगे। एंड एज वी नो डेट एस वन स्केयर इज इक्वल टू समेशन एक्स वन स्केयर माइनस समेशन एक्स वन होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन वन एंड इट इज डिवाइडेड बाय एन वन माइनस वन। सिमिलरली एस टू स्केयर किसके इक्वल है, एन टू माइनस वन एंड इट इज इक्वल टू समेशन एक्स टू स्केयर माइनस समेशन एक्स टू होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन टू। मीन्स इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें समेशन एक्स वन स्केयर चाहिए और समेशन एक्स टू स्केयर चाहिए, तो हमें कॉलम बनाना है एक्स वन स्केयर और एक्स टू स्केयर का। एक्स वन स्केयर 34 का जब स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 115.6। 25 का स्केयर लिया तो इट इज इक्वल टू 625। 43 का स्केयर लिया इट इज इक्वल टू 1849। सिमिलरली 1369 2025 और ये सम हमारे पास आ गया 7024। इसी तरीके से x2 का हम स्केयर लेंगे तो ये आ गया 400 961 529 1225 1681 841 1521 और दिस सम इज इक्वल्स टू 7158। नाउ वी कैन कैलकुलेट एस वन स्केयर विच इज एन वन माइनस वन 4 एंड समेशन एक्स स्केयर 7024 माइनस समेशन एक्स होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन वन 5 एंड इट इज इक्वल टू 6771.2 एंड फर्दर इसको सॉल्व किया तो इट इज इक्वल टू 252.8 एंड इट इज इक्वल टू 63.2। इसी तरीके से एस टू हम कैलकुलेट करेंगे, एस टू स्केयर 1/(n2-1) विच इज 6 एंड एक्स टू स्केयर 7158 माइनस समेशन एक्स टू होल स्केयर 218 एंड टू। इसको फर्दर सॉल्व किया 7158 माइनस 6789.14 एंड 1/6 368.86 एंड इट इज इक्वल टू 61.48। अब ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे एस पी में। एस पी हमारे पास क्या था, एन वन माइनस वन डेट इज 4, एस वन स्केयर 63.2 प्लस एन टू माइनस टू 6 और एस टू स्केयर 61.48 और एन वन 5 प्लस 7 माइनस 2। इसको फर्दर एलेबोरेट किया तो ये आ गया 252.8 प्लस 368.88 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 10 एंड इट इज इक्वल्स टू 62.17। और एस पी कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 62.17 का तो इट इज इक्वल टू 7.88। तो ये हमारे पास एस पी आ गया। अब हम टी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज टी अल्फा बाय 2 एन वन प्लस एन टू माइनस टू। टी अल्फा बाय 2 0.025 और ये हमारे पास कितना है 10। इसको टेबल वैल्यू को हम टेबल में देखते हैं, 0.025 10 में देखा 2.22814 तो ये आ गई 2.228।
अब ये सारी वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड थी वो कैलकुलेट हो गई है, इसको इक्वेशन वन में सब्सिट्यूट करते हैं। By substituting the values in equation 1, we have 36.8 minus 31.1 plus minus 2.228 into SP 7.88 into 1 over n1 which is 5 plus 1 over n2 which is 7. Difference of these values is equal to 5.7 plus minus 2.228, 7.88, इसको सॉल्व किया 4.62, 5.7 प्लस माइनस इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो देन वी हैव 10.3। 5.7 में से एक दफा माइनस करेंगे 10.3, 5.7 में से एक दफा ऐड किया 10.3। Finally, we will have 2 points minus 4.6 and 16.0. Hence, 95% confidence interval for difference of mean mu 1 minus mu 2 is minus 4.6 to 16.0. Confidence interval estimates for difference of mean mu 1 minus mu 2 when we have unequal variances. When we have unequal variances, then we can calculate confidence interval by using this formula. लेकिन जो सबसे important difference है यहाँ degree of freedom का है. जब equal variances होंगे तो हमारे पास degree of freedom क्या थी? n1 plus n2 minus 2. लेकिन for unequal variances, you can calculate degree of freedom by using this formula. बाकी हम उसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे जैसा हमने इक्वल वेरिएंसेस के लिए कैलकुलेट किया था। पहले केस की एग्जांपल करते हैं, विच इज डज एन एवरेज बॉक्स ऑफ अ सीरियल कंटेन 368 ग्राम्स ऑफ सीरियल। अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 बॉक्सेस शोड मीन 372.5 एंड कंपनी हैज स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन 15 ग्राम, टेस्ट एट द लेवल ऑफ 0.05। पहला स्टेप क्या था? स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। किस चीज को हमने टेस्ट करना है? यहाँ एक सीरियल का जो बॉक्स है उसमें ऑन द एवरेज 368 ग्राम सीरियल है या नहीं, इस चीज को हमने टेस्ट करना है। तो हम लिखेंगे हाइपोथेसिस में कि जी ऑन द एवरेज तो 368 ग्राम इसमें सीरियल है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा कि नहीं है, 368 ग्राम नहीं है, कम है या इससे ज्यादा है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया? इक्वल और नॉट इक्वल वाला है, तो दिस इज टू टेल टेस्ट। अब दूसरा है अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या था? 0.05। थर्ड स्टेप क्या था? टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर एच नॉट विच इज जेड एक्स बार माइनस म्यू नॉट, सिग्मा भी गिवन है तो ये आ गया अंडर एच नॉट व्हेन जी हैज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रिटिकल रीजन। अब ये टू टेट के लिए क्रिटिकल रीजन हमने क्या बताया था? विच इज एब्सोल्यूट का मतलब है एक तरफ माइनस लेंगे एक तरफ प्लस के साथ, अल्फा बाय टू के साथ जो बनेगा, तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन आ गया। अल्फा बाय टू, अल्फा हमारे पास क्या है? 0.05, टू से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0.025। टेबल वैल्यू देखी तो ये आ गया 1.96। टेबल वैल्यू देखनी अब तक तो आपको आ गई होगी क्योंकि हमने काफी डिटेल से पिछले चैप्टर्स में टेबल वैल्यू देखना आपको बताई है। तो एक दफा माइनस में माइनस 1.96 और ये एक दफा 1.96 इधर आ गया। अगर 1.96 से एक्सीड करेगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को, इससे अगर कम होगी तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट। फिफ्थ में हम जी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
सैंपल मीन हमारे पास क्या था 372.5 और एक्स बार माइनस म्यू नॉट है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है, ये म्यू नॉट है, तो ये 368, सिग्मा हमारे पास है 15 और विच इज डिवाइडेड बाय एन, एन हमारे पास क्या है 25। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है हमारे पास 1.50। अच्छा जी, अब ये 1.50 जो है ये यहां पे यहां कहीं फॉल करेगी, क्योंकि यहां से आगे तो वैल्यू बढ़ती जाएंगी, 1.96 से आगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका मतलब है 1.5 एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है। तो सिक्स स्टेप जो है हम कंक्लूड करेंगे, एज कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज जेड इक्वल टू 1.50 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। इसका मतलब है हमारे पास इतनी एविडेंस नहीं है कि हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर सके कि ऑन द एवरेज सीरियल बॉक्स में 368 ग्राम सीरियल है। अच्छा, ये तो मेथड हो गया क्लासिकल अप्रोच से। इसी क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं बाय यूजिंग द पी वैल्यू अप्रोच। इसमें उसी तरीके से हम स्टेप फॉलो करेंगे, एच नॉट विच इज म्यू इक्वल टू 368, एच वन 368, सेकेंड स्टेप में अल्फा 0.05, थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक विच इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा एन स्क्वायर रूट, इसको कैलकुलेट किया था तो 1.5 आया था। फोर्थ में हम क्या करेंगे, पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू जेड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये हमारे पास जेड ऑब्जर्व वैल्यू है, ये डेटा को यूज करते हुए आई है, तो ये वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1.5। इसको हमने ड्रॉ किया, ये जी एक्सिस है, सेंटर में जीरो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारे पास जीरो होता है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास 1.5 है, तो ये हमने डाटा फाइंड आउट करना है। टेबल से हम यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.5 को जब टेबल में देखा तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4332। ये यहां से यहां तक का एरिया है, और यहां से लेके यहां तक का जो एरिया 0.5 है, 0.5 में से माइनस किया 0.4332 विच इज इक्वल टू 0.0668, तो ये एरिया आ गया ये वाला। तो पी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0668। अब पी वैल्यू को यूज जब हम करते हैं तो हमें क्रिटिकल रीजन बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। एज पी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.0668 ग्रेटर देन एल्फा, यानी कि 0.0668 जो है ग्रेटर देन 0.05 है, देन वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर पी वैल्यू लेस देन एल्फा हो तो हम रिजेक्ट करते हैं एच नॉट को, पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो दिस इज द रिजल्ट बाय यूजिंग द अप्रोच ऑफ पी वैल्यू। आगे जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो हम क्लासिकल मेथड को यूज करते हुए ही करेंगे, लेकिन हायर लेवल पे और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में पी वैल्यू अप्रोच ही यूज की जाती है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द हाइट ऑफ कॉलेज मेल स्टूडेंट आर नॉन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 67.39 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.30 इंचेस। अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स शोड अ मीन हाइट ऑफ 67.47 इंचेस। यूजिंग अ 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट द हाइपोथेसिस, मीन जो है वो
67.39 है और उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू इज ग्रेटर देन 67.39. फर्स्टली वी विल स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज ऑलरेडी गिवन विच वी हैव टू टेस्ट दैट इज मीन इक्वल टू 67.39 और ऑल्टरनेटिव क्या है मीन हाइट जो है स्टूडेंट्स की 67.3 इंचेस नहीं है बल्कि इससे ज्यादा है तो दैट इज 67.39. क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं कर रहा वैल्यू को इट इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट. दूसरा स्टेप अल्फा, अल्फा क्या है 0.05. थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड विच इज जेड एक्स बार माइनस म्यू नॉट अंडर एच नॉट व्हेन जी इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ में क्या आप करेंगे क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करेंगे वो डिपेंड करेगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे. एज ऑल्टरनेटिव में जो साइन है वो ग्रेटर देन का है तो यहाँ भी ग्रेटर देन जी अल्फा आएगा. अब अल्फा टू से डिवाइड नहीं होगा, टू से डिवाइड इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट होता है. क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है तो यहाँ जेड अल्फा ही आएगा. तो ये हमारे पास जी एक्सिस हो गया जीरो और इसकी जो वैल्यू है जेड अल्फा 0.05 को टेबल में देखा तो 1.645 पॉजिटिव वैल्यू तो इस साइड पे फॉल करेगी तो ये आगे 1.645. इससे आगे की वैल्यूज जितनी भी है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती हैं. अब जी वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट की तो हमारे पास आ गया 67. सैंपल मीन हमारे पास क्या था 67.47 और ये म्यू नॉट 67.39. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी 1.3 डिवाइडेड बाय एन, एन है 400. इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 1.23. और सिक्स स्टेप जो है हमारे पास क्या है कंक्लूजन. एज कैलकुलेटेड वैल्यू डेट इज z इक्वल टू 1.23. अब देखें ये जो क्रिटिकल रीजन में जो वैल्यूज फॉल करती हैं 1.6 से ज्यादा की जो होंगी इससे पीछे वाली कम वाली है यानी कि 1.2 तो यहाँ कहीं फॉल कर रहा है ना, 1.2 यहाँ कहीं फॉल कर रहा है विच इज एक्सेप्टेंस रीजन. सो एस z विच इज इक्वल टू 1.23 does not fall in the critical region, so we will not reject H naught. हम H naught को reject नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी evidence नहीं है कि हम इस H naught को reject कर सकें. अब हम third case discuss करते हैं. A random sample of size 36 is taken from a normal population with a known variance that is 25. If the mean of a sample is 42.6, test the null hypothesis mu equal to 45 against the alternative hypothesis mu less than 45 with the level of significance 0.05. बिल्कुल उसी तरीके से null and alternative hypothesis first step में हम state करेंगे equal to 45 and alternative क्या है mu less than 45. अब ये भी हमारे पास one tail test है. लेस देन की फॉर्म में ऑल्टरनेटिव हो या ग्रेटर देन की फॉर्म में ऑल्टरनेटिव हो डेट इज वन टेल टेस्ट. ऑल्टरनेटिव में कभी भी इक्वालिटी साइन नहीं आता, इक्वालिटी साइन सिर्फ नल हाइपोथेसिस में आता है. दूसरा अल्फा 0.05 है. थर्ड जेड स्टेटिस्टिक्स विच इज अंडर एच नॉट when z is a standard normal distribution. फोर्थ में क्या है क्रिटिकल रीजन. अब ये है ये किस पे डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिव पे. ऑल्टरनेटिव में लेस देन आ रहा है, जब लेस देन का साइन होगा तो माइनस जेड अल्फा हमारे पास आएगा क्योंकि ये लेफ्ट टेल पे फॉल कर रहा है और लेफ्ट टेल पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं हमारे पास. ये z एक्सिस है जीरो है तो जेड अल्फा यहां कहीं है माइनस 1.645. ये इसकी टेबल वैल्यू आ गई 1.645. ये क्रिटिकल रीजन है. आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जी की.
इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सैंपल मीन क्या है 42.6 माइनस 45, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, क्योंकि वेरिएंस 25 था, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ गया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एन डिवाइडेड बाय एन. इसको कैलकुलेट किया तो विच इज इक्वल टू माइनस 2.88. अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. एज z इज इक्वल टू माइनस 2.88, अब z की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, सो वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन वी विल रिजेक्ट h नॉट. सो फॉर केस वन वी हैव डिस्कस ऑल द थ्री पॉसिबल वेज ऑफ स्टेटिंग नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नाउ वी विल डिस्कस टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन. सिग्मा स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दैट सिग्मा इज अननोन एंड द सैंपल साइज एन इज लार्ज दैट इज 30. मोर देन 30 अगर हमारे पास सैंपल साइज हो और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो देन वी यूज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. एस फॉर लार्ज सैंपल साइज दैट इज एन ग्रेटर देन 30, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम अलाउज अस टू अज्यूम दैट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार is approximately normal with the mean of mu and standard deviation s over n square root. In other words, you can say that sigma is replaced to s and the variable becomes that is z x bar minus mu naught s over n square root. बाकी सारी values उसी तरीके से हम इसमें substitute करेंगे, बस sigma की जगह हमने इसको एस से रिप्लेस कर दिया है. और टेस्टिंग हाइपोथेसिस में बाकी सारे स्टेप्स हमारे पास वही होंगे. पहले स्टेप में नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम स्टेट करेंगे. सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट दैट इज अल्फा. तीसरे में जेड स्टैटिस्टिक जो कि हम ये यूज करेंगे अंडर एच नॉट. फोर्थ में उसी तरीके से क्रिटिकल रीजन. फिफ्थ में कंप्यूटेशन वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. सिक्स में हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. आइए इस केस के भी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. द आईक्यू ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट आर नॉन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 123 एंड अ रैंडम सैंपल ऑफ 49 स्टूडेंट्स शोड एन एवरेज आईक्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू 120.67 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन is equal to 8.44. Test the hypothesis that mean IQ is equal to 123 against the alternative hypothesis it is less. Any case alternative hypothesis हमारे पास है mu is less than 123, यानी के IQ जो है वो less than 123 होगा. पहले स्टेप में हम उसी तरीके से स्टेट null and alternative hypothesis that is null hypothesis is that is as mu equal to 123. It shows that IQ level on the average is equal to 123. और alternative में हमारे पास क्या given था कि it is less than 123. कि IQ लेवल जो है ऑन द एवरेज लेस देन 23 है. सो इट इज वन टेल्ड टेस्ट. दूसरे स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमारे पास गिवन है 0.05. थर्ड स्टेप क्या था, टेस्ट स्टैटिस्टिक. टू बी यूज्ड that is z equal to x bar minus
mu naught s over sample standard deviation, as it is not given in the example. So we have to calculate sample standard deviation s in a large sample size under h naught, where z is approximately standard normal variable. फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन. और ये जो है किस पे डिपेंड करता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. इसका जो डायरेक्शन होगी हमें पता चलती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे. ऑल्टरनेटिव जो है मीन हमारे पास लेस देन 123 है. लेस देन की जब बात होगी तो ये माइनस जेड अल्फा होगा, माइनस जेड 0.05 और विच इज इक्वल टू 1.645. ये हमारा क्रिटिकल रीजन है. इसको ड्रॉ कर लेते हैं. इसको ड्रॉ करने से अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है. ये जेड एक्सिस आ गया, ये मीन जीरो हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और 1.645 हम कहते हैं ये यहाँ कहीं फॉल करेगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जीरो के लेफ्ट पे होती है, पॉजिटिव वैल्यू जीरो के राइट पे होती है. तो ये हमारे लेस देन वाला एरिया जो है That is critical region. और fifth point कौन सा है, z की value calculate कर ली. Sample mean हमारे पास था 120.67 और mu naught हमारे पास क्या है 123, s 8.44, n is 49 और इसको calculate किया minus 2.33, 49 ऊपर गया तो ये 7 बन गया, तो नीचे रह गया 8.44, तो विच इज फाइनली इक्वल टू माइनस 1.93. अब ये देखें माइनस 1.93 जो है इस एरिया में फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में, क्योंकि आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी. माइनस 1.6 या यहाँ कहीं माइनस 1.8 होगा, यहाँ कहीं करके माइनस 1.9 होगा. कंक्लूजन हमारे पास क्या हो जाएगा, As calculated, value that is z equals to minus 1.93 falls in the critical region. We will reject H naught. अब H naught हमने reject कर दिया. इसका मतलब है जो आईक्यू लेवल है स्टूडेंट्स का वो ऑन द एवरेज 123 नहीं है, बल्कि 123 से कम है. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. कैन वी रिजेक्ट द क्लेम दैट द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज एटलीस्ट 50 इयर्स इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 मेंबर्स हैज अ मीन ऑफ 48.7 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 3.0 इयर्स. अज्यूम ऑल द मेंबर्स एजेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01. पहले स्टेप में हम हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे, स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दैट इज एज नॉट. जो चीज हमने टेस्ट करनी थी वो था पार्लियामेंट मेंबर की एवरेज एज जो है एटलीस्ट 50 है. जब वर्ड एटलीस्ट यूज होता है इसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50. जब इक्वल का साइन हमारे पास आता है तो हम उसको नल हाइपोथेसिस में स्टेट करते हैं. तो मीन ऑन द एवरेज एज हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50. और इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, इसका उलट लेस देन 50. तो ये हमारे पास कौन सा टेस्ट हो गया, वन टेल्ड टेस्ट. दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमारे पास है 0.01. थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्टेट करेंगे. दैट इज जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट. एस द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट फ्रॉम द सैंपल एंड सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30. So we can replace sigma 2 versus s. Under h naught, where z is approximately standard normal distribution. Fourth में critical region हम draw करेंगे, which is based on alternative hypothesis.
क्रिटिकल रीजन की डायरेक्शन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करती है, जो कि लेस देन है. लेस देन की वैल्यू को माइनस जेड अल्फा से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आ गया माइनस जेड 0.01. इसकी टेबल वैल्यू हमारे पास आ गई 2.33. अब इसको ड्रॉ कर लिया. ये जेड एक्सिस है, यहां पे हमारे पास मीन आ गया, ये जीरो है, तो यहां कहीं करके टू की वैल्यू ले ली हमने माइनस 2.33. इससे लेस देन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन. अब हम जी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. सैंपल मीन हमारे पास है 48.7, म्यू नोट 50, एस है 3 और एन 36. इसको कैलकुलेट किया तो आ गया माइनस 7.8 डिवाइडेड बाय 3.1 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2.52. अब ये वैल्यू भी, ये माइनस 2.33 है, तो इससे आगे माइनस 2.40 होगा, फिर आगे माइनस 2.5, यहाँ कहीं करके माइनस 2.52 होगा. मीन्स के जी की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है. तो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, एज जी विच इज इक्वल टू माइनस 2.52 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट क्या था कि पार्लियामेंट मेंबर की जो एवरेज एज है एटलीस्ट 50 है. हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया. इस मीन वी हैव नॉट एनफ एविडेंस टू से डेट दैट द एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज एटलीस्ट 50 ईयर्स एज.